गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। सभी आँखें बंद रखते हुए मनन करें, फिर प्रार्थना करें। आपके जीवन में दो तरह के आकर्षण हैं। एक आकर्षण है इंद्रियों की वजह से, दूसरा आकर्षण है आपके पृथ्वी लक्ष्य अनुसार जो आपके सबक हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको खींचा जाता है कुछ घटनाओं में, कुछ लोगों की तरफ, कुछ भोजनों की तरफ, कुछ शहरों की तरफ, कुछ निर्णयों की तरफ, कुछ नया निर्माण करने की तरफ। आपको इन दोनों आकर्षणों के बीच फर्क समझ में आना चाहिए। शरीर किसी भोजन की डिमांड कर रहा है स्वास्थ्य के लिए, कुछ कमियां हैं, डिफिशिएंसीज हैं, मिनरल, कुछ विटामिन्स जो कुछ सब्जियों से मिलने वाला है, उस तरफ आपका शरीर आकर्षित होता है। उसके पीछे उद्देश्य है स्वास्थ्य। दूसरा आकर्षण है स्वाद की तरफ। स्वाद पाने की लालसा में इंद्रियां आकर्षित होती हैं, वैसे भोजन आकर्षित होते हैं, वैसी होटल्स, वैसे पदार्थ। दोनों के बीच में फर्क क्या है? हर एक ने अपने जीवन में यह जान लेना चाहिए। कुछ पल इस पर मनन करके फिर प्रार्थना करें।
दोनों आकर्षणों के बीच फर्क कर पाने के लिए आपकी चेतना की लेवल ऊपर उठनी चाहिए। इसलिए पहले अपने लिए प्रार्थना करें, फिर सारे जग के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मेरी चेतना, मेरा विवेक इतना ऊपर उठाओ कि मैं फर्क कर पाऊँ सत्य असत्य के बीच, असल और नकल के बीच, इंद्रियों के आकर्षणों और अपने सबकों के आकर्षणों के बीच। कृपया मुझे समझ दो, बुद्धि दो, प्रज्ञा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्रज्ञा विश्व के हर मनुष्य को मिले, ताकि वे गलत आकर्षणों के पीछे दौड़कर अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते खराब न करें। सभी को अपने सबक सीखने का उत्साह मिले, सभी अपने पृथ्वी लक्ष्य को पृथ्वी पर ही पूर्ण करें। हे परमात्मा, सभी सच और झूठ को पहचान पाएं, सभी अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग करें, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें, सबका जमीर जागृत हो जाए, पत्थर वाला जीवन समाप्त हो जाए, जिसमें मजबूरियां हैं, लालसाएं हैं, सुप्त इच्छाएं, जो इंसान को इंद्रियों के आकर्षणों में खींच लेती है। सत्य की शिक्षाओं पर चलकर सभी को मोक्ष प्राप्त हो। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें, जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे।